हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले गाइस, जो आपने हमारे को फर्स्ट व्लॉग में जो प्यार दिखाया, उसके लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। गाइस, हम आ चुके हैं धानक्यार रेलवे स्टेशन। इसकी लोकेशन हमारे घर से करीबन 8 किलोमीटर दूर है और अभी टाइम हो चुका है शाम के 4 बजे। और गाइस, अब हम आपको लेके चलते हैं, यहाँ के आसपास के दृश्य दिखाते हैं और फिर आपको लेके चलेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति पर। देखिए गाइस, यहाँ पर कितना अच्छा दृश्य है, कितनी हरियाली है यहाँ पर। और ये देखिए गाइस, ये इधर ये पार्किंग बनी हुई है, यह है पार्किंग स्थल। और गाइस, ये देख सकते हो आप, ये रेलवे क्वार्टर्स बनी हुई हैं यहाँ पर, स्टाफ के क्वार्टर्स, स्टाफ। और ये गाइस, इधर एक पार्क बना हुआ है, इसमें एंटर होते हैं। और गाइस देखिए, यहाँ पर एक पुराने जमाने की एक झोपड़ी भी बनी हुई है, ये देखिए गाइस। गाइस, ये देख रहे हो, ये है धानक्यार रेलवे स्टेशन। देखिए गाइस, कितना सुंदर बन रखा है यहाँ पर। ये देखिए गाइस, अंदर से धानक्यार रेलवे स्टेशन का नजारा, कितनी शानदार चित्रकारी कर रखी है यहाँ पर। सो गाइज, अब आप हम आपको लेके चल रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मृति कारक पर, वहाँ आपको विजिट करवाएंगे और वहाँ का दृश्य दिखाते हैं आपको।
गाइज, इस स्मृति संस्थान में पंडित दीनदयाल की उनकी पूरी जीवनी को दर्शा रखा है। पंडित दीनदयाल जी एक राष्ट्रवादी और मानवतावादी नेता थे। इन्होंने राष्ट्र कल्याण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो गाइज, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर पुराने ज़माने के भी कुछ घर बने हुए हैं आज भी। तो अब हम चल रहे हैं पंडित दीनदयाल के स्मारक पर, और ये देख सकते हो ये गेट है, और ये गेट बंद है। इससे अगले वाले गेट पर अपन चलेंगे, वहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, तो गाइस हम आ चुके हैं देखो इस मार्ग पर पंडित दीनदयाल के। अब लेते हैं अपन एंट्री। गाइस अपन एंटर हो चुके हैं, ये देखो मेन गेट है यहाँ का, और इसके अंदर इधर ये पंडित दीनदयाल की मूर्ति लगी हुई है, और ये स्मारक बना हुआ है। तो उससे पहले गाइस यहाँ पर ये एक इस साइड ये म्यूज़ियम बना हुआ है, पहले इस म्यूज़ियम में चलेंगे जहाँ पर इनकी जीवन काल के वो दर्शाया गया है, जो बचपन का इनका जीवन काल था उसके बारे में मूर्ति कला द्वारा इसको दर्शाया गया है। दिखा रहे पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय का पैतृक गांव कौन सा है उसके बारे में, और ये उनकी पेंटिंग बनाई हुई उसके गांव के दृश्य के लिए। और कैसे ये देख सकते हो आप, दीनदयाल जी उपाध्याय जी की माता जी का नाम श्रीमती राम प्यारी, और ये पंडित दीनदयाल के नाना जी चुन्नीलाल जी शुक्ला, ये इनका जीवन परिचय दिखा रखा है, और ये इनकी मूर्ति है। और ये दीनदयाल जी के पिताजी भगवती प्रसाद जी। जी गाइस, ये पंडित दीनदयाल जी की नानी जी, और ये देखिए गाइस इनकी मूर्ति। देखिए गाइस कितनी अच्छी लग रही है मूर्ति, जैसे सेम टू ओरिजिनल बैठी हो। इसी कलाकृति को दिखाने के लिए गाइस हम आपको आज यहाँ पर लेके आए हैं। ये देखिए बालक दीनदयाल जी की घुटनों के बल चलते हुए, ये इनकी है, और ये इनकी बचपन की जो इनकी मम्मी के साथ ये सो रहे हैं माता जी। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के मामा जी श्री राधा रमन जी शुक्ला को रेलवे में नियुक्ति का पोस्ट कार्ड एसओ रेलवे स्टेशन मास्टर धानक्या के पते पर। बालक दीनदयाल जी गुड़लिया पकड़कर चलते हुए, ये देखिए गाइस ये इनकी मूर्ति बता रखी है, और ये नानी जी के साथ, नानी के साथ खेलती हुई है, और ये बालक दीनदयाल नाना का हाथ पकड़कर चलते हुए। देखिए गाइस सेम ऐसी लगती है शानदार, जैसे ये स्टोर बना रखा है यहाँ पर। देखिए यहाँ की पुराने जमाने की दो चार वस्तुएं छोटी छोटी पड़ी है, ये दिखाएं गाइस। ये देखो गाइस ये पुराने जमाने की छोटी चक्की, ये डिब्बा है, ये चूल्हा कढ़ाई है, ये देखो पीतल की परात है, श्री दीनदयाल जी। तो गाइस ये देखिए उनके बारे में ये मूर्ति कला। ये गाइस देखिए पंडित दीनदयाल जी इस अवस्था में पढ़ते थे, ऐसे इनके बारे में पूरी जीवनी बता रही। प्रथम विश्वविद्यालय प्रवेश, ये देखिए गाइस ये पढ़ सकते हैं आप। तो गाइस अब हम आपको लेके चल रहे हैं इस म्यूजियम के अंदर। तो गाइस देख सकते हो बीच के अंदर ये पंडित दीनदयाल जी की बहुत ही बड़ी और शानदार मूर्ति बनी हुई है, ये देख सकते हैं गाइस, और ये इनके बारे में जानकारी दे रखी है। तो गाइस अब हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं इसके पास में, अब हम इसके अंदर अंदर चलते हैं वहां पर, और
लोग यहाँ के गार्ड है जो उनको खोल रहे हैं अभी गेट को। ये गाइस अब हम एंटर हो चुके हैं इसके अंदर। ये देखिए गाइस, तो गाइस ये देख सकते हो ये दसवें गवर्नमेंट प्रोडक्शन मॉल और इसकी मूर्तिकार है। इनके पूरे जीवन काल को यहाँ पर दर्शाया गया है मूर्तियों के माध्यम से। भारतीय जनसंघ, हर हाथ को काम हर खेत को पानी, इस योजना में इन्होंने अपना काम योगदान दिया था। गौ रक्षा पर विचार विमर्श करते हुए ये महान आत्माएं गौ माता मंत्र। ये देखिए गाइस कितने शानदार है मूर्ति कलर। ये देख सकते हो आप, ये पुराने जमाने का कैमरा, इसके अंदर फोटो लगी हुई है और इसको घुमा के देखा जाता है, इसको बोलते हैं बाइस्कोप। तो तीसरे फ्लोर पर लेके चल रहे हैं, जो खाली है केवल मीटिंग हॉल बना रखा है यहाँ पर, तो उसको गाइस आप देख सकते हैं। ये गाइस देखिए यह है मीटिंग हॉल, साइड एक और म्यूजियम बना हुआ है, उसमें क्या है वो आपको अंदर चल के दिखाते हैं गाइस। ऐसे देखिए सिखावाटी सम्मेलन में भाषण देते श्री दीनदयाल जी। ये देखिए गाइस, इसमें देखिए यहाँ पर ये ट्रेन की कलाकृति बनाई हुई है यहाँ पर। ये देखिए गाइस ओरिजिनल, सेम जैसे ओरिजिनल लग रही है ट्रेन। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।